आज हम अपने इस फर्स्ट एक्साइटिंग लेक्चर पे बात करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग व्यू। जिस स्किल के बारे में हम बात कर रहे हैं डेट इज टेक्निकल एनालिसिस पे स्किल। ये स्किल हमें हेल्प करेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को स्टडी करने में। आपको इस स्किल की मास्टरी के बाद आप अपनी चार्ट पेंटिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। चार्ट किसी भी मार्केट्स के हो सकते हैं, रादर वो चार्ट स्टॉक्स के हैं, रादर वो चार्ट क्रिप्टो करेंसी के हैं, और आइदर वो चार्ट फॉरेक्स के हैं, और आइदर वो चार्ट किसी भी वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के पैनी स्टॉक्स के हैं या कंपनीज के शेयर्स के हैं। तो इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द स्किल यू विल बी एबल टू स्टडी चार्ट, टू अंडरस्टैंड चार्ट, टू लर्न एंड अप्लाई ऑल द टूल इंडिकेटर्स ऑन द एवरी काइंड ऑफ चार्ट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस डिफरेंट मार्केट्स में इंटर होकर अपनी ट्रेडिंग कैरियर को परस्यू करने में, स्टार्ट करने में, या डिफरेंट इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देने में। तो बकायदा स्टार्ट करते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसकी ऐप भी है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में मौजूद है। आप tradingview.com पे जाएं, यहाँ पर हमने एक सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, या फॉरेक्स मार्केट में, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अपने सारे के सारे चार्ट्स की स्टडी यहाँ पे करते हैं, अपने एंट्रीज एंड एग्जिट पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। एंड ये ट्रेडिंग व्यू की हेल्प की मदद से आप जो टॉप नॉच ट्रेडर्स हैं आप उनके आइडियाज़ को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके एनालिसिस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड देन आपने जो एक एनालिसिस सीखा होगा आप उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं। आई होप के एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ट्रेडिंग व्यू के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर हम ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स लिस्टेड हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स हैं, स्टॉक्स की मार्केट्स हैं, इंडेक्सेस की मार्केट्स हैं, फ्यूचर्स की मार्केट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी किस्म के भी स्टॉक्स के चार्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे मार्केट्स में जाएं, मैं स्टॉक्स मार्केट्स में जाता हूँ, तो आप जो इस टाइम वर्ल्ड के लार्ज कैप मार्केट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, आप उन मार्केट्स को स्टडी कर सकते हो, उनके स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि एप्पल इंटरनेशनल इस टाइम 1994 बिलियन मार्केट कैप के साथ ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, गूगल है, अलीबाबा है, फेसबुक है, एंड सो मैनी वीज़ा। आप यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हो कि आपने किसी भी स्टॉक्स के चार्ट्स को स्टडी करना है तो आप यहां से इजीली फाइंड एंड सर्च भी कर सकते हैं। इन द सेम मैनर अगर हम क्रिप्टो करेंसी के मार्केट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स को जाके भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आप बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम कैश, ईओएस, स्टेलर एंड मैनी प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना आपको बताया जाएगा कि आपने किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स को स्टडी कैसे करना है। तो एक सिंपल अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अकाउंट, जो मैंने एक टेम्प ईमेल लिया था और मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ये पासवर्ड मैंने इसका लगाता हूँ। तो ये एक मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से एक सिंपल अकाउंट क्रिएट किया हुआ था ऑलरेडी। आपने भी अपना अकाउंट अपनी ओरिजिनल ईमेल से क्रिएट कर लेना है, उसको वेरीफाई कर लेना है, एंड देन आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। मेक श्योर कि आपने बेसिक अकाउंट ही क्रिएट करना है, अदरवाइज इसकी प्रो अकाउंट की सब्सक्रिप्शन फी है, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप फिलहाल इसमें अपने आप को, इसकी स्किल को पॉलिश करें, एंड इंशाल्लाह ताला एक वक्त ज़रूर आएगा कि आपको प्रो अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स को सर्विस देंगे, या आप खुद अगर फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं तो मे बी आपको मोर एंड मोर टूल्स एंड इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़े ताकि आप एक अच्छा एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो ये ट्रेडिंग व्यू का एक विंडो है जिसमें हम
डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप आइडियाज भी लोगों के ले सकते हैं। फर्ज करें कि मैं एक चार्ट खोलता हूँ, आप कोई भी चार्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं या उसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल, सॉरी, जैसे कि मैं एक सिंपल चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट का नाम है BTC to USD, कि मैं BTC की प्राइस देख रहा हूँ USD में, ठीक है, मैं BTC की प्राइस देख रहा हूँ USD में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब BTC टू USD कोई एक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा, ये डिफरेंट एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। और जब मैं भी आपको अकाउंट क्रिएशन बताऊंगा कि आपने बिटरेक्स पे अकाउंट बनाना है, बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है, या आपने बिटमैक्स पे अकाउंट बनाना है, जिस भी एक्सचेंज पे आप अकाउंट बनाएंगे हम उसी का देखेंगे। फिलहाल मैं कॉइन बेस पे इस चार्ट की स्टडी करता हूँ। ये जो चार्ट सिलेक्टेड है, हम इसके जो हमारा मेन एम है कि हम इसकी प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल इज डैट जैसे कि हमने अपने ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक पहला पेयर अपना सर्च किया है क्रिप्टो की मार्केट में, वो है बिटकॉइन को हम स्टडी कर रहे हैं USD में। इस टाइम ये ट्रेड हो रहा है 13,127 USD का, एक बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसकी कुछ प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग करूंगा, वो आपने देखनी है। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, मैंने जो की है वो आप स्टडी कर सकते हैं, वो आप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसी को स्टडी करें। जैसे कैंडल्स को स्टडी करना इजी होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि हम इसकी थोड़ी सी चेंजेस ये करते हैं कि मैं इसके कलरिंग थोड़ी चेंज कर देता हूँ ताकि एक अच्छी लुक आए। आपने क्या जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, एंड ये कलर आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक भी हो सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप मेरे ही कलर्स को फॉलो करें। तो जैसे ये मैंने एक इसकी कलरिंग स्कीम चेंज की है, आप ये नीचे से भी इसकी वॉल्यूम की भी कलरिंग स्कीम चेंज कर सकते हैं, सेम टू सेम रख सकते हैं जो मैंने उसकी रखी है अपनी कैंडल्स की। तो ओके, अब ये यहाँ पर अभी तक मैंने जो इसकी सेटिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स को सिलेक्ट किया है। कैंडल्स मैंने क्यों सिलेक्ट की है वो मैं आपको भी बताता हूँ। और रेड एंड ग्रीन कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, जो कि आने वाले हम जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है कैंडलिक स्टडी के बारे में, जिसमें हम ब्रीफली इस चीज़ को देख भी रहे होंगे कि हम रेड कैंडल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल के कॉन्सेप्ट्स को हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी चार्ट पेंटिंग में यूज़ हो सकते हैं। हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसमें हम इंडिकेटर्स, अलर्ट्स, और जो बाय डिफॉल्ट कुछ उन्होंने टेम्पलेट्स आपको स्क्रिप्टेड आपको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जो कि हम मतलब अगर आप अपने इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करते, एक प्रूवन इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं, आप उनको भी एनालिसिस करते, उनको भी स्टडी करते हुए आप एक एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा ये जो पैन है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ, ये हमारी मेन विंडो होगी इस ट्रेडिंग व्यू की, जिसमें हम पूरा का पूरा चार्ट स्टडी करेंगे, चार्ट पेंटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम प्राइसेस देखेंगे अपने कि इस टाइम क्या प्राइसेस चल रही है, लाइव ट्रेडिंग क्या हो रही है। मैं टाइम सेटिंग से स्टार्ट करता हूँ। इस टाइम हम लाइक वी आर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम +5 UTC को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसी को ही फॉलो करते हैं। लेट्स सी, इसके बाद कुछ सेटिंग ये है कि आप सेटिंग्स में जाएं, आपने बॉडी बॉर्डर्स एंड ग्रिड को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें आपको पैटर्न समझ आ रहा है कि ग्रीन कैंडल मीन बुलिश एंड रेड कैंडल मीन बेरिश, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ पार्ट आल्सो वॉल्यूम, जो कि हम कैंडलिक स्टडी में इसको थॉरली स्टडी भी करेंगे कि बेसिकली कि ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है और रेड कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिलहाल हम अपनी चार्ट सेटिंग को देखते हैं। अगर ये ओपन, हाई, लो एंड क्लोज,
ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये बेसिकली एक कैंडल की रिप्रेजेंटेशन है कि कैंडल में ओपनिंग कब होती है, क्लोजिंग कब होती है, उसका हायर हाई क्या है, उसका लोअर लो क्या है। इंशाल्लाह ताला ये हम अपने सेकंड लेक्चर जो कि कैंडलिक स्टडी में उसमें देखेंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं, ये कन्वीनियंट ऑप्शंस हैं कि आप अपने मुताबिक इनको सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे बाय एंड सेल पैनल जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये ट्रेडिंग में हमें हेल्प करता है। फिलहाल हम अभी किसी एक्सचेंज के लिहाज से स्टडी नहीं कर रहे, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। इंडिकेटर टाइटल्स लाइक करंटली वॉल्यूम जो आपको कैंडल का बता रहा है कि इसमें इतना वॉल्यूम है, ये भी आपकी मर्जी, आप सिलेक्ट करें ना करें। इंडिकेटर वैल्यू कि क्या वैल्यू चल रही है। स्केल्स आर इम्पोर्टेंट, ये फर्ज करें मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा स्केल है। चार्ट्स की प्रॉपर विजुअलाइजेशन में हमें स्केल्स काफ़ी हेल्प करता है। तो स्केल्स को आप डिफाइन भी कर सकते हो, स्केल्स को आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो। स्केल्स में जैसे देखें हम, स्केल्स में आते हैं अगर, तो यहाँ पर सिंबल नेम लेबल के मैं BTC टू USD का चार्ट ऑफ कोर्स स्टडी कर रहा हूँ। प्रीवियस डे क्लोज के प्रीवियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी हर चार्ट में सेटिंग इसकी किया करें कि इस टाइम फर्ज करें कि मैंने ये 4 आवर का चार्ट ओपन किया है, आप इसमें 1 आवर का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। अब 1 आवर चार्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, फर्ज करें ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल आपके 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 घंटे में उस में जितना ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम आया पॉजिटिव, नेगेटिव, बुलिश, बियर, वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन 1 कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 आवर के 1 आवर में कितना ट्रेड हुआ हुआ है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि करंटली ये जो कैंडल है हमारा, ये वाला, इसकी क्लोजिंग में अभी 1 आवर एंड 15 सेकेंड्स ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं या 13 सेकेंड्स पड़े हैं। तो इसके बाद एक न्यू कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ से होगा, वो ग्रीन बनती है या वो रेड बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन कि मार्केट सिनेरियो क्या है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम टूल्स एंड इंडिकेटर्स की मदद से डिस्कस भी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। लेट्स सी कि मैं अगर यहाँ पर अपनी कैंडल को 1 डे पे शिफ्ट करता हूँ, तो इट्स मीन नाउ इज माई 1 कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग अ 1 डे। जैसे कि इस कैंडल को अभी क्लोजिंग होने में मेरे पास इस टाइम 8 आवर्स ऑलमोस्ट बचे हैं, 8 घंटे बाद ये कैंडल क्लोज होगी, उसमें जितना भी वॉल्यूम ट्रेड होता है वो हम इजीली देख सकते हैं। अब जैसे कि हम ये कैंडल को अगर सेलेक्ट करते हैं, इट्स अ ग्रीन कैंडल और उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हुआ है, यहाँ से हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आगे हम टेक्निकल एनालिसिस में और भी देखेंगे कि वॉल्यूम की ट्रेडिंग से क्या मुराद है। तो ये जो हमारी कैंडल है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि उस 1 डे में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। आई होप कि आप यहाँ से, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं, आप स्टडी कर सकते हो कि 1 आवर की टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस बन रहा है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या है, 4, 1 डे एंड अप टू सो ऑन, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को स्टडी कर सकते हो इसके मुताबिक। ओके, हम अपने चार्ट्स की कुछ प्रोफेशनल सेटिंग्स कर रहे थे। बिड एंड आस्क लेबल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डिफरेंट एक्सचेंज पे काम करेंगे, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। अपीयरेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वैसे तो मैंने इसका डार्क थीम सेलेक्ट किया हुआ है, इट्स क्वाइट गुड कि डार्क थीम ही बेहतर रहेगा। अगर आप इसके लाइट थीम में जाओगे, इट आल्सो नॉट गुड फॉर योर आइज हेल्थ, तो आप सिंपली इसका डार्क थीम सेलेक्ट कर लें तो आपको इसकी जो बैक साइड की अपेयरेंस है उसमें इतनी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसकी सेटिंग थोड़ी दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं, इसमें हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे स्केलिंग इनकी ज़रूरी है। बाज़ का कैंडल्स फॉर्मेशन बड़ी और छोटी होती हैं, जैसे मैं अगर इसकी 14 स्केल करता हूँ, 15 स्केल करता हूँ, तो ये जूमिंग इसकी बढ़ा रहा है, तो जिसमें बाज़ का तो आपको ज़रूरत होती है और बाज़ का नहीं होती टू डीपली अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल में इसकी जो स्केलिंग है वो 12 इज़ ओके, बट आप अपने कर्सर से भी इसको
अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। स्केलिंग आपको हेल्प करेगी जब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इंडिकेटर्स अप्लाई करने होंगे चार्ट्स पे, देन यू विल बी नीडिंग अ स्केलिंग। ओके, तो अभी मैं इसकी स्केलिंग 12 पे कर देता हूँ ताकि मुझे नैरो नज़र आए। ओके, तो क्रॉस हेयर इज इम्पॉर्टेंट आल्सो, क्रॉस हेयर की आप ये कर लें ताकि आप जिधर भी लेके जा रहे हैं आपको पता हो कि आपका कर्सर कहाँ मूव हो रहा है। से डैट आप इस कैंडल को स्टडी कर रहे हैं, आपका क्रॉस हेयर बकायदा पॉइंट आउट कर रहा है, इस कैंडल को स्टडी कर रहे हैं, आपका क्रॉस हेयर बकायदा इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो सेटिंग्स में जाके आप, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन हैं, हर पर्सन के लिहाज से ये वेरी करते हैं। किसी को जो कुछ लोग हैं जो ग्रीन कैंडल एज अ बुलिश और रेड कैंडल एज अ बीरिश के तौर पे पसंद करते हैं। अब ये कलर्स वेरी कर जाते हैं पर्सन टू पर्सन, कि वो कुछ लोगों ने जो लाइट लाइट ग्रे कलर है वो ग्रीन को वो एज अ बुलिश पैटर्न को ले लेते हैं, द सेम मैनर वो लाइट रेड कलर है वो बीरिश पैटर्न को लेते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। हम ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग के ऑप्शंस पे नहीं जा रहे फिलहाल क्योंकि बाय एंड सेल बटन्स ये हम अपनी एक्सचेंज के लिहाज से इनको वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मैंने समरी हमारी सिंपल सी इसकी ये है कि मैंने जो मेरी चार्ट सेटिंग थी वो मैंने कैंडल्स को लिया, कैंडल्स को स्टडी किया, कैंडल्स की कुछ सेटिंग की कि मैंने ग्रीन और रेड के लिहाज से डिफाइन किया। रेड का मतलब ये है कि जैसे फर्ज करें ये मेरी ये कैंडल थी ग्रीन, इसकी लास्टली क्लोजिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला और यहाँ तक, तो इट्स मीन ये एक हमारा बीरिश पैटर्न था। बीरिश मतलब कि जो प्राइस है वो डिक्रीज की है, डिक्रीज मतलब कि वॉल्यूम कम भी हुआ है। तो इट्स मीन के प्राइस फ्रॉम हेयर 11,923 इन टू डेज इट ड्रॉप टू $10,336। तो यहाँ पर इसका प्राइस आपको डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये क्यों आया, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्नैरियोज हो सकते हैं, लेटर ऑन हम इस चीज़ को थोरली स्टडी भी करेंगे कि ये प्राइस में अप और डाउनफॉल कैसे आता है। टेक्निकल एनालिसिस को जब हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस तो हम एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस से क्या मुराद है कि फर्ज करें मैं किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, आप से डैट किसी भी स्टॉक्स को स्टडी कर लें, स्टॉक्स में से डैट मैं अमेजोन का स्टॉक उठाता हूँ, अमेजोन, ठीक है जी। ये मैंने अमेजोन का नेस्टेक का स्टॉक उठा लिया। नेस्टेक क्या है, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस हैं, जिसे हम यूएस की मार्केट भी कहते हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। अच्छा देखें, जैसे मैंने बिटकॉइन के एक चार्ट को स्टडी किया था, सॉरी हम उसको स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमें कैंडल्स के पैटर्न्स बड़े परफेक्टली मिल रहे थे, इसमें भी मिल रहे हैं। हम बकायदा देख सकते हैं कि इस टाइम अमेजोन का स्टॉक 3204 USD में ट्रेड हो रहा है, इसके एक शेयर की वैल्यू इतनी जा रही है। तो लेकिन अगर बाज़गात हमें अगर हमने कंप्लीट देखना हो तो मैं एरिए वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हमें एक कंप्लीट ओवरव्यू भी आ जाता है, लेकिन अगर आपने डीपली स्टडी करना है तो आप डेफिनेटली कैंडल को सिलेक्ट करें जो कि आपको हेल्प करेगी मोर डीपली अंडरस्टैंड करने में। तो से डैट अब जैसे हम अमेजोन के स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हम जैसे ये हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है इस टाइम नवंबर, हम नवंबर में हैं, इस टाइम डेट है 24 ऑफ नवंबर में हैं ऑलमोस्ट, तो सॉरी अक्टूबर में हैं। तो हम इस चार्ट को स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस वन ईयर से लेकर टू ईयर थ्री ईयर तक भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिगर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जैसे से डैट के मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 2017, 2016, 2015 तक के भी इवन आपको चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस हम करते हैं कि जैसे इस पेंडेमिक के बाद अमेजोन
हुई कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इनके मार्केट कैप में, हमें बहुत ज्यादा सर्जेस देखने को मिली हैं। तो हम कोई ज्यादा दूर नहीं जाते, हम पेंडेमिक से ही स्टडी करते हैं। ये जस्ट एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसे डेट हमारा पेंडेमिक पीक पकड़ा था फेब्रुअरी से मार्च के दरमियान में, ठीक है। तो हमने देखा कि इस टाइम इस स्टॉक की जो ट्रेडिंग वैल्यू थी 16 मार्च को, अगर मैं इस कैंडल को स्टडी करूं, से डेट उसकी ओपनिंग इस टाइम 1,640 से डेट $40 पे ये ट्रेड था। सो कैन यू इमेजिन के जो हमें हमें पता था कि लोगों ने ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग करनी है ऑफ कोर्स, तो उनके मार्केट कैप में हमें सर्जेस देखने को काफी मिलेंगी, उनका मार्केट कैप का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये चेंज आप देखें फ्रॉम मार्च टू टिल अक्टूबर ऑलमोस्ट अगर से डेट 1600 एंड नाउ दे आर ट्रेडिंग ऑन 3204, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट 1x से डेट। अगर किसी ने यहाँ पर $1,000 इन्वेस्ट किए थे अमेजोन के स्टॉक्स में एंड देन ही और शी बिकम होल्डर होल्ड फॉर डियर लाइफ, तो उस अगर वो आज की डेट में भी उसको सेल करता है, सो देयर $1,000 बिकम $2,000 इजीली, 1x हो सॉरी 1x उसका इजीली हो रहा है। तो ये एक जस्ट केस सिनेरियो डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग में आप देखते हो कि प्राइसेस अप जाती हैं तो आप सेल भी कर देते हो, देन अगेन डू ट्रेडिंग। लेकिन जैसे मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि आप बेशक ट्रेड कर रहे हो स्टॉक्स को, आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में हमें डे ट्रेडिंग की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि वहां पर फंडामेंटली चीजें काफी इंपैक्ट होती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ स्टॉक्स को ट्रेड करें, पेशेंस के साथ क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को ट्रेड करें, देयर इज अ मच रूम डेट यू कैन ग्रो बाय योर मनी, आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, होप सो। जैसे हमें अगर जैसे मैं एक सिंपल स्टॉक हम और भी स्टडी करते हैं, जूम 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 हमने देखा है कि जूम को अच्छा खासा यूज किया गया है इस पेंडेमिक के दौरान। तो जूम को अगर हम स्टडी करें फ्रॉम अप्रैल, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, मार्च से डेट मार्च में जूम वाज ट्रेडिंग ऑन $93.98। इसका एक शेयर जो था वो इतने पे स्टडी हो रहा, इतने पे ट्रेड हो रहा था। एंड यू इमेजिन के इतने टाइम फ्रेम में जिसमें जूम में अच्छा खासा लोगों ने जूम ऐप को यूज़ किया है, जूम प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, पीपल आर नाउ मोर मूविंग टुवार्ड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस टू वर्चुअल ऑफिस, सो दे विल बी नीडिंग जूम ईच एंड एवरी टाइम। तो जूम ऑलमोस्ट फ्रॉम 16 मार्च $76 टू $511 पे आपको आज की डेट में ये जूम के स्टॉक्स ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। सो आई होप सो कि आप स्टॉक्स के पोटेंशियल को एनालाइज कर सके हैं। अगर आपके पास पेशेंस का एक जज्बा है, पेशेंस इज वर्च्यू इन दिस ट्रेडिंग बिजनेस, अगर पेशेंस के साथ आप ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह ताला आप इसमें काफी ग्रो कर सकते हैं। ओके तो वी वाज ऑन द मैं अगेन हम एक बीटीसी का ही चार्ट को स्टडी करेंगे और उस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारे ईच एंड एवरी टूल जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टूल्स को आपके लिए फिगर आउट किया है उन पे एक प्रॉपर लेक्चर भी है। आज हम जस्ट ट्रेडिंग व्यू की एक चार्ट सेटिंग को देखा है और हम ये देखा है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को स्टडी कैसे कर सकते हैं और कोई भी चार्ट हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं BTC टू USD का एक दफ़ा अगेन चार्ट को ले लेता हूँ कॉइन बेस का ही। तो ये वाला मेरे पास चार्ट है BTC टू USD का। तो मैंने यहाँ सर आप डिफरेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स
देख सकते हैं, जिसमें आप ट्रेंड लाइन से लेकर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें हेल्प करती हैं आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को फाइंड करने में। वो लेटर ऑन हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा सिनेरियो आपसे डिस्कस करता हूँ कि से डैट यहाँ पर अगर आप देखें कि प्राइस यहाँ पर एक अगेन यहाँ से आप यहाँ पे डाउन होके बाउंस बैक डाउन होकर बाउंस बैक डाउन डाउन बाउंस बैक और यहाँ से अब जा रही है। सो इट्स मीन कि हम इस एरिया को एक स्पोर्ट कंसीडर कर सकते हैं जहाँ से प्राइस ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टाइम अप जा रही है, बाउंस बैक ले रही है। तो सिमिलरली इन द सेम मैनर हम रेजिस्टेंस को भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ये सिंपल मैंने लाइन खींचा है कि यहाँ से देखें प्राइस अप हो रहा था, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला, अगेन प्राइस डाउन, फिर रिजेक्शन मिला, अगेन प्राइस डाउन, यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस डाउन। तो इट्स मीन कि हम इस एरिया को एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट क्यों आती है या रेजिस्टेंस एक चार्ट में क्यों आती है, ये हमें डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा कि वॉल्यूम उस टाइम क्या ट्रेड हो रहा था, मार्केट सिचुएशन क्या थी। अगर ट्रेडिंग बिटकॉइन में नहीं हो रही थी तो किस जगह पे हो रही थी, किस जगह पे मार्केट कैप बढ़ रहा था, लाइक वो अदर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स में देखेंगे भी। तो फिलहाल मैंने अभी तक आपसे जो स्टडी करने की कोशिश ये की है कि हम किसी भी स्टॉक्स के चार्ट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स के चार्ट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, हम वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर होम में जाएं और होम में जाने के बाद आप जैसे यहाँ पर सर्च करें से डैट ये मेरे पास ऑल एक्सचेंजेस आ रही हैं। इसमें आपको फॉरेक्स मार्केट भी मिलेगी, आपको नॉर्थ अमेरिका, जैसे हमने नेस्टैक को डिस्कस किया कि हम यहाँ पर जितने भी स्टॉक प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं हमें वो देखने को मिलेंगे। यूरोपियन मार्केट में हम डिफरेंट कंट्रीज की मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। सिम इन द सेम मैनर हम अगर मिडल ईस्ट में आ जाएं तो कतर स्टॉक एक्सचेंज है, दुबई एंड बहरीन एंड इजिप्शियन नाइजेरियन स्टॉक एक्सचेंज को आप स्टडी कर सकते हो। द सेम मैनर एशिया एंड पैसिफिक में आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस को स्टडी कर सकते हैं। ऐसे डेट अगर मैं मिडल ईस्ट में कतर स्टॉक एक्सचेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली उन कतर स्टॉक एक्सचेंज के पेयर्स का पता होना चाहिए कि जिस पेयर को आप स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मैं इस टाइम कतर में हूँ तो यहाँ पर दोहा बैंक के शेयर्स को स्टडी किया जा सकता है। इन द सेम मैनर आप जिस भी कंट्री में होंगे आप वहाँ की कंपनीज आपको डेफिनेटली वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्टेड हुई नजर आएंगी और आप उनको बकायदा स्टडी कर सकते हैं। जैसे बलदना इज वन ऑफ द कंपनी हेयर हु डील्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप ये देखें कि बलदना के हम स्टॉक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, फुल फीचर ऑफ इसका अकाउंट खोल लेते हैं और हमें बलदना को स्टडी करने को मिल जाएगा कि बलदना का इस टाइम ये रियाल है, QAR कतरी रियाल में इसका एक शेयर जो है वो इतने में ट्रेड हो रहा है। तो बकाया हम अपने टूल्स एंड इंडिकेटर्स की हेल्प से आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे अपनी चार्ट्स पेंटिंग भी करेंगे, टूल्स भी लगाएंगे, इंडिकेटर्स भी लगाएंगे और उसके बाद हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। फिर हम अपनी एंट्रीज पॉइंट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी भी वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग व्यू सेटिंग मैंने कुछ हद तक बताई है, ये वेरी कर सकती हैं जब आप इसकी विंडो से ज़्यादा प्ले करेंगे सेटिंग्स में जाके। आप की नेकेड आई को जो सेटिंग इसकी अच्छी लगेगी आप उसके मुताबिक वो कर सकते हैं। बेसिकली आई लाइक ग्रीन एंड रेड, ग्रीन इज फॉर बुलिश बिहेवियर एंड रेड फॉर द बेयरिश बिहेवियर, इट इजीली टू अंडरस्टैंडेबल एंड इजी टू रिमाइंडेबल। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आई होप सो कि हमने जो आज अपने ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल में जो चीज़ स्टडी करने की कोशिश की थी कि हम स्टॉक्स के चार्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रिप्टो
क्रिप्टोकरेंसी या फॉरेक्स के चार्ट्स को कैसे देख सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग व्यू सेटिंग कैसे आ सकते हैं, और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस जो हैं वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए किसी हद तक लर्निंग का बायस बनेंगे। और डोंट वरी, आने वाले हमारे लेक्चर्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे जब हम टूल्स इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट्स आने वाले लेक्चर्स में मोर एंड मोर क्लियर होंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर।